आदरणीय कनक तिवारी जी, जगमोहन जी और बाकी यहाँ बैठे सभी लोगों को एक साथ संबोधित कर रहा हूँ बिना उनके नाम को लेकर। एक कहावत है चीन में कि आपको अगर 20-25 साल के लिए काम करना है तो आप दुकान खोलें, बिजनेस करें, और अगर आपको 100-200 साल के लिए काम करना है तो मकान बनाएं, एक मकान 100 साल तक चलता है, और अगर आपको 300-400 साल के लिए काम करना है तो खेती करो, और अगर आपको हजारों हजार साल काम करना है, हजारों हजार साल के लिए काम करना है तो आप आदमी बनाने का काम करो। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप सब लोग दुकान खोलने वाले, मकान बनाने वाले और रासायनिक खाद के साथ खेती करने वाले लोग नहीं हो, बल्कि इंसान बनाने वाले लोग हो, और इंसान बनाने वाले लोगों के सामने आदर्श के रूप में हमेशा इसी तरह के लोग होते हैं जैसे महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, अंबेडकर साहब। हैरानी तो यह है कि आज CAA, ये जो तीन है NPR, इन सब के खिलाफ में शाहीन बाग में जो एक आंदोलन चला है, वहाँ इन तीनों महापुरुषों की तस्वीर एक साथ लटकाई गई है, रखी गई है। मुझे लगता है कि एक बार हम लोग उन तीनों को एक साथ एक मंच पर रखने के लिए हम लोग एक बार जोरदार ताली जरूर दें, क्योंकि इसके पहले तक हमारे देश में भगत सिंह का कुंबा अलग चल रहा था, अंबेडकर साहब का कुंबा अलग चल रहा था और गांधी जी का कुंबा अलग चल रहा था। इसमें से भगत सिंह का कुंबा थोड़ा छोटा हो गया, गांधी जी का कुंबा थोड़ा सिकुड़ गया, लेकिन अंबेडकर साहब का कुंबा फैल गया। कल तक उनको सिर्फ दलितों के लीडर बनाकर उनको संकीर्ण चौथे में रखा जा रहा था, आज अंबेडकर साहब की जितनी कद्र बढ़ी है देश और दुनिया में, उससे वो सिर्फ एक किसी जाति विशेष के नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेता, अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में अंबेडकर साहब की ख्याति फैल रही है। हैरानी तो इस बात की है कि जो हिंदू सोलिडिटी के लिए षड्यंत्र करते हुए दिखाई पड़ते हैं इस देश में, वो लोग भी गांधी जी को अपनी गोद में रखते हैं, वो लोग भी भगत सिंह को टोपी उतार के केसरिया रंग का पगड़ी पहना के अपने पास रखते हैं, वो लोग भी अंबेडकर को पास रख रहे हैं। ये जो RSS BJP के जो लोग हैं, ये लोग भी इन तीनों महापुरुषों को अपने अपने स्वार्थ के लिए रख रहे हैं, लेकिन वो तो इन तीनों महापुरुषों का मुखौटा लगाकर जनता को धोखा दे रहे हैं। लेकिन शाहीन बाग में इन तीनों महापुरुषों को एक ही कतार में रखकर इस देश की एक नई ताकत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह एक बहुत ऐतिहासिक घटना हो रही है। कभी ऐसा नहीं होता था कि शाहीन बाग में हो और पूरे देश में 143 जगहों पर महिलाएं संघर्ष के लिए खड़ी हो जाएं। जो महिलाएं आज इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं, वो महिलाएं इसके पहले कभी इस तरह से व्यापक संघर्ष के मैदान में नहीं उतरी थी। तो गांधी जी कहते थे कि मैं तो किसी के मरने से मरूंगा नहीं, जब भी हमारी जरूरत किसी को होगी तो मैं कब्र से भी निकल आऊंगा। और इस देश में गांधी कई बार कब्र से निकले, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तब गांधी कब्र से निकल गए थे, जब पंजाब और हरियाणा अलग नहीं हो रहा था तो देवीलाल ने जो ताकत दिखाई थी तब भी गांधी पैदा हो गए थे कब्र से, जब अन्ना आंदोलन हुआ तब भी गांधी पैदा हो गए थे। तो गांधी जी समय समय पर पैदा होते रहते हैं। और मैं तो आपको बताऊंगा कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन इस देश में हो रहा था, उस आंदोलन में जयप्रकाश जी
सर्वोदयी नेता के रूप में नेतृत्व दे रहे थे, वो गांधी के विचारों पे सब कुछ आगे बढ़ा रहे थे, नौजवानों की भारी भागीदारी उस आंदोलन में थी, और आंदोलन के दौरान में नौजवान गांधी जी के बताए रास्ते पे चल जरूर रहे थे, लेकिन जगह जगह सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा बना रहे थे, वो गांधी जी की प्रतिमा नहीं बना रहे थे। गांधी जी की प्रतिमा उनके मन में थी, लेकिन जोश और आवेश यानी हिम्मत और उत्साह के लिए जो है आज भी सरदार भगत सिंह हमारे प्रतीक हैं और उनका नाम लिया जाता है। और मैं तो समझता हूँ कि गांधी जी के निधन के बाद यानी उनकी हत्या के बाद उस समय गांधी के बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक पहाड़ पर, यानी गांधी जी 79 साल जिए थे, तो 79 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की तैयारी उस समय होने लगी थी। आज वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी, बना दिया, लेकिन उस समय गांधी जी की प्रतिमा नहीं बनी, क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो आडंबर होगा, गांधी जी के विचारों की हत्या होगी इतनी बड़ी प्रतिमा बनाने से। तो जो लोग प्रतिमा बनाना चाहते थे उनको हतोत्साहित कर दिया। मैं 1958 में 58 में पैदा हुआ, यानी आज़ादी के 10 साल बाद, और 1958 से लेके 69 तक मेरे घर के आसपास में एक वकील साहब का घर था, तो वहाँ छोटी छोटी मूर्ति राजेंद्र प्रसाद की, महात्मा गांधी की, इन सब की होती थी, और मैं उन मूर्तियों को देखता था तो हमको पहचान मिलती थी कि ये राजेंद्र जी हैं, ये महात्मा गांधी हैं। और उस समय 2 अक्टूबर को गाना भी बजता था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इस तरह हमारी स्मृति में गांधी जी आते थे और गांधी को जानने की जिज्ञासा होती थी। इस तरह से जानते जानते जब मैं वही 69 में 10-15-16 साल का हो रहा था, तो उस समय देश में नक्सलवाड़ी आंदोलन चल रहा था। तो मैं नक्सलवाड़ी आंदोलन जिस क्षेत्र में चल रहा था उस क्षेत्र में चला गया, तो किसी ने कहा कि देखो ये गांधी के विचार में विश्वास करता है। बोला अच्छा, तो एक नक्सलाइट ने मुझे जो है ना फट से एक गाल पे थप्पड़ खींच के मार लिया। बोला अरे गांधी जी तो कहते थे कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दो। अब मेरे सामने क्या हिम्मत हुई कि गाल पर उसने एक बार जोरदार थप्पड़ बिना मुझे सचेत किए डाल दिया था, और फिर अब चुनौती थी कि दूसरा गाल बढ़ाना है। तो हमको लगा कि अरे इतना ही दर्द होता है थप्पड़ से, तो दूसरे गाल में भी शायद इतना ही थप्पड़ होगा, इससे ज़्यादा तो दर्द होगा नहीं, इससे ज़्यादा तो चोट होगी नहीं, बस मैंने दूसरा गाल बढ़ा दिया। तो उसके साथियों ने उसको रोक दिया, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, अब दूसरे गाल पे मत। तब मुझे गांधी समझ में आया कि हिम्मत करना चाहिए। गांधी की अहिंसा को आज कायरता के चौथे में परोसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांधी की अहिंसा कायरता नहीं है। तो इस तरह से गांधी के प्रति जो है मेरे मन में विश्वास हुआ, उसकी बात हमको यकीन जैसी लगने लगी कि वो ठीक कर रहे हैं। नहीं तो 70 सालों में कांग्रेस ने महात्मा गांधी का इतना दुरुपयोग सत्ता में बने रहने के लिए किया कि गांधी जी का नाम जो है मजबूती के बजाय मजबूरी का नाम गांधी जी हो गया। आज मैं सोच रहा था कि मैं गांधी जी की बात करने जा रहा हूँ, तो कल शाम को जब सब्जी वाले ने देखा कि आज तो ये सब्जी खरीद नहीं रहा है, तो बोला अरे आज सब्जी नहीं खरीद रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे कल कुरुक्षेत्र जाना है। हैं कुरुक्षेत्र, वहाँ तो लड़ते हैं लोग, युद्ध करते हैं। मैंने उनके मन में महाभारत की कुरुक्षेत्र की कल्पना आ गई। मैं अगर हरियाणा कह देता तो शायद समझ जाते वो, लेकिन जब मैंने कुरुक्षेत्र कह दिया तो उनको लगा कि नहीं लड़ने वड़ने की जगह पे जा रहे हैं। तो मैं उनको कैसे बताता कि हम लड़ने के लिए तो ज़रूर जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि 3 तरह की लड़ाई होती है। जो सबसे सर्वश्रेष्ठ लड़ाई होती है वो बौद्धिक लड़ाई होती है, और उससे घटिया स्तर की लड़ाई वो होती है जो गाली गलौज के साथ लड़ाई होती है,
और उससे भी ज़्यादा घटिया स्तर की लड़ाई वह होती है जब हम हथियार जलाते हैं, जब हम किसी को नष्ट करते हैं। तो सबसे बेहतर लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई होती है। तो मैं उस सब्जी वाली को तो नहीं समझा सका कि मैं किस तरह की लड़ाई लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय कुरुक्षेत्र में इस तरह का सृजन महोत्सव करके आप महाभारत में तो बहुत सारी लाशें बिछा दी गई थी, लेकिन आज मैं ये समझ रहा हूँ कि सुभाष जी ने जो है जो ये परचम लहराया है, जो ये पहल इन्होंने की है, इसकी आवाज़ पूरे देश में पहुँचेगी। क्योंकि आज साहित्य के नाम पर बहुत सारे उत्सव हो रहे हैं, कॉरपोरेट घराने के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, साहित्य का कार्यक्रम है, साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकारों को नहीं बुलाते हैं, घटिया स्तर के साहित्यकारों को बुलाते हैं, और उसके बाद वहाँ गीतकार को बुला देंगे, वहाँ फिल्म के हीरो हीरोइन को बुला देंगे और कहेंगे कि यह साहित्यिक महोत्सव हो रहा है, ये सृजन हो रहा है, और इस तरह से लोगों को भटकाया जा रहा है। तो बात हो रही थी महात्मा गांधी की, सरदार भगत सिंह जी की, बाबा साहब अम्बेडकर की, विचारों की साझी विरासत के रूप में बोल्शेविक क्रांति के सूत्रधार लेनिन ने उस समय भारत में रहने वाले प्रखर नेता एमन राय को कहा था कि आप गांधी जी को साथ दीजिए, क्योंकि गांधी जी के साथ पूरे देश के लोग हैं, गांधी जी को इस देश की संस्कृति और इस देश की प्रवृत्ति का भी पता था कि आज़ादी की लड़ाई में ये जो जमींदार हैं, ये जो सामंत हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। उनको लगा कि इस देश के जो अंतिम लोग हैं, इस देश के जो गरीब से गरीब लोग हैं, वही लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। और आज भारत के इतिहास को उल्टा कर देखिए, सामंतों को लड़ना कहाँ पड़ा, सामंत तो दमन करते थे, अत्याचार करते थे, इस देश में लड़ाई तो हमेशा सबसे पिछड़े दलित कमजोर लोगों ने किया है, उसी का इतिहास है। अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी, बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है, तिलका मांझी का नाम लिया जाता है। अगर 1857 में अगर क्रांति का बिगुल बजा था तो वह राष्ट्रभक्ति के लिए नहीं हुआ था, वो धर्म बचाने के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव हुआ कि इसमें कोई सुअर का गोश्त लगाया गया है इसलिए हम उसे नहीं लगाएंगे। इसलिए 1857 में वो धार्मिक कारणों से वो सूत्रपात हो गया और वो लड़ाई आगे बढ़ गई। तो गांधी जी ने अपने साथ हमेशा गरीब से गरीब लोगों को जोड़ा, और जब नमक सत्याग्रह किया उन्होंने तो उसमें भी यही था। लोग कहते हैं कि इस देश में भ्रष्टाचार की शुरुआत तब से हुई जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगाया, तो नमक को गरीब भी खाता था, अमीर भी खाता था। तो नमक आंदोलन के बाद उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक पूरे देश में हरिजन उद्धार के लिए अभियान चलाया, कार्यक्रम चलाया। मैं उड़ीसा में एक जगह गया तो वहाँ मैंने गांधी जी का एक मंदिर देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि यह मंदिर कब बना, कैसे बना, तो उन्होंने कहा कि जब हरिजन उद्धार की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी इस जगह आए थे तो उन्होंने यहाँ के मंदिरों को हमारे लिए खुलवाने की कोशिश की, तो सामंतों ने हमारे लिए मंदिर के दरवाजे नहीं खोले, तो फिर हम लोगों ने मिलकर गांधी जी का ही मंदिर बना दिया और गांधी जी को ही पूजने लग गए। तो गांधी जी सबसे पिछड़े दलित लोगों के हक में आवाज़ करते उठा रहे थे, यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया कि वो देश के गरीब लोगों के लिए किया, भगत सिंह जी की भी यही ख्वाहिश थी, यही सपना था कि सबको आज़ादी मिले, सब कुछ मिले। नेहरू और अंबेडकर साहब महात्मा गांधी से हमेशा असहमत होते रहे, बहुत तरह के विकास की नीतियों को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, लेकिन जब शांति स्थापना की बात आती थी तब नेहरू और अंबेडकर साहब भी गांधी जी की अहिंसा पर ही जोर देते थे।
उसी तरीके के इस्तेमाल की वकालत करते थे। और अंबेडकर साहब ने जब महाड़ में सत्याग्रह किया, तालाब में पानी नहीं पीने के लिए दिया, तो वहाँ जो सत्याग्रह कर रहे थे बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में, उन पर सवर्णों की तरफ से हमला हुआ था। तो अंबेडकर साहब ने उस समय कहा था कि हमको प्रतिघात नहीं करना है, हमको उन पर हमला नहीं करना है, हम अहिंसात्मक तरीके से इनका प्रतिरोध करेंगे। तो वहाँ भी गांधी जी और अंबेडकर साहब की जो नीति थी वह एक हुई। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो बौद्ध धर्म तो अहिंसा परमो धर्म की बात करते थे, तो अंबेडकर साहब ने गौतम बुद्ध को अगर धर्म को अपना लिया, इसका मतलब है कि उन्होंने अहिंसा को अपनाया। तो वहाँ भी वो गांधी जी के साथ मिले। तो इस तरह से अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो इस देश के भविष्य के शानदार बनाने की रणनीति में इन तीनों महान पुरुषों की विचारधारा हमारे लिए एक साथ आजमाने की ज़रूरत है, काम आने की ज़रूरत है। लेकिन हिंदू सॉलिडिटी वाले लोग गांधी जी को कभी सुभाष जी से लड़ा देते हैं, गांधी जी को कभी भगत सिंह से लड़ा देते हैं, गांधी जी को कभी नेहरू से लड़ा देते हैं, गांधी जी को कभी अंबेडकर से लड़ा देते हैं। ढेर सारे मतभेदों की लिस्ट उनके पास है। लेकिन आप देखिए, सुभाष जी को अध्यक्ष नहीं बनने दिया। अरे सुभाष जी जब अध्यक्ष के पद जीत गए थे, उसके पहले जो अध्यक्ष बने थे वो गांधी जी ने बनवाया था आपको। संविधान सभा के अध्यक्ष जब बाबा अंबेडकर साहब बने तो वो गांधी जी की सिफारिश पर बने थे। तो आप देखने की कोशिश करेंगे बस वो वाला हिस्सा कि नहीं, पहले वाला जो अध्यक्ष बना उसकी चर्चा नहीं करेंगे, दूसरी कि जिसमें सीतारमैया की हार मेरी हार है वो बोल दिया तो उसको ज़्यादा प्रचारित करेंगे। तो आज ज़रूरत है इन तीनों महान पुरुषों के बारे में ठीक से ढेर सारी चीज़ों को सामने लाने की। सृजन उत्सव के जरिए आप शानदार काम कर रहे हैं और इन काम का संदेश जो है देर तक भले फैले लेकिन बहुत दूर तक जाएगा। और मैं भी यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैंने अचानक मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन मैं जब हिसार में था, चंडीगढ़ में था, तो मुझे ये देश हरियाणा के बारे में जो है चर्चा सुनने को मिलती थी, खबर मिलती थी। आज मैं यहाँ आ करके आपके बीच अपने विचार को व्यक्त कर सका, यह मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। ये तीनों महान पुरुष तो अपने योगदानों से इतना सारा वृतांत हमारे सामने विरासत के रूप में रख दिया है कि इस पर जितनी भी चर्चा करूं वह कम होगी। और मैं यह समझता हूं कि हमारे बीच जगमोहन जी उपस्थित हैं, उनको अधिक मौका मिले। मैं अपने हिस्से का भी जो भी थोड़ा बहुत समय मेरे पास बचा है मैं उन्हीं को अर्पित करता हूँ। मुझे मौका मिला, धन्यवाद।